रोल प्राइवेट में करिए। अभी तक दो मासूम बच्चे आए थे, कह रहे हैं कि उनके पिता उनको पढ़ने नहीं दे रहे जबकि वो पढ़ना चाहते हैं। इसमें मेरी महिला से बात हुई है, महिला के 5 बच्चे हैं लेडीज के, और जो बता रही थी कि उसके बच्चों का जो पढ़ाई का था उसके पिता उसको डांट डपट करते हैं, मौलाना है। मैंने महिला से भी कहा है, हमने कहा भाई समाज को इकट्ठा करें, बाकी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं क्या उसकी कर सकते हैं। अगर कोई पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसका स्वागत है, बच्चों का भविष्य पढ़ाई में ही है, और अगर माँ की इच्छा है कि बच्चे उसके पढ़ें तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी और नहीं आनी चाहिए। बच्चों के फादर ने स्कूल बैग और किताबें रखनी है, जबकि एग्जाम आने वाले हैं तो क्या पुलिस नहीं, उसको हम अभी देखेंगे, शिक्षा विभाग को भी इसको लिखेंगे, और प्राइमरी फेस यही कि अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैंने लेटर भी लिखा है, बात भी मैंने किया है, और इस पर आगे भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक सेंसिटिव मामला है, एक सोशल इशू है, और एजुकेशन सरकार की भी प्राथमिकता है, और उसी से सब चीज़ें आगे भविष्य में तय होती हैं। तो शिक्षा प्राथमिकता है और शिक्षित होना समाज की प्राथमिकता है।